कि इनके केस में एक भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, अगर इनका कोई रिफंड बनेगा तो भैया किस बैंक में ये रिफंड मंगाएंगे। तो देखिए इसके लिए आप प्री वैलिडेट कर सकते हैं, पहले से बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, हैंड टू हैंड आपका सारा काम हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए यदि आपके सैलरी से या फिर पीएफ के पैसों से या फिर किसी भी सोर्स से टीडीएस कट गया है, टैक्स कट गया है, तो रिफंड पाने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। काफी लोगों के केस में बैंक अकाउंट तो लिंक रहता है लेकिन उनके बैंक में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से रिफंड नहीं आता है, उनका रिफंड वेट में चला जाता है, यानी कि वेटिंग में रहता है। या फिर कुछ लोगों के केस में तो भैया उनका बैंक अकाउंट ही लिंक नहीं रहता है। तो आज के इस नए वीडियो में पूरे डिटेल्स में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपका बैंक लिंक है कि नहीं है, और लिंक है तो कौन सा बैंक लिंक है, और अगर लिंक नहीं है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आपके बैंक में तो आप एक नया बैंक अकाउंट किस तरीके से बड़े ही आसान प्रोसेस से लिंक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इनकम टैक्स। देखिए ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। देखिए इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको चले जाना है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है, थोड़ा नीचे की साइड आपको आना है, उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप काफी दिनों बाद आ रहे हैं इस वेबसाइट पे और पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर आप सही सही पासवर्ड एंटर कर रहे हैं फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो अब आप पासवर्ड अपना फॉरगेट कर सकते हैं बड़े ही आसान प्रोसेस से और उसके बाद से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है पासवर्ड चेंज करने में तो इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद से डेफिनेटली आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। अब देखिए कंटिन्यू हम कर देंगे, आप देख सकते हैं कि हम सफलतापूर्वक अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा काफी सारे ऑप्शंस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट और अपडेट करने का ऑप्शन है, लेकिन काफी केसेस में यहाँ पे कोई डिटेल देखने को नहीं मिलता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल रहा है ना, इस पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद से माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैंक अकाउंट, कभी कभी ये ऑप्शन चेंज भी होते रहते हैं तो ऊपर से नीचे हो सकते हैं, तो इसमें आप इस लिस्ट में देख लीजिए जहां भी लिखा हुआ है माई बैंक अकाउंट वहां पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके केस में एक भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, अगर इनका कोई रिफंड बनेगा तो भैया किस बैंक में ये रिफंड मंगाएंगे। तो देखिए इसके लिए आप प्री वैलिडेट कर सकते हैं, पहले से बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, और अगर आप पहले से नहीं लिंक करते हैं तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराते हैं तो उस टाइम लिंक कर दिया जाता है, तो सही ये रहता है कि आप पहले से लिंक करके रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन, एड बैंक में जीरो है, कोई भी बैंक यहाँ पे एड नहीं है, और यहाँ पे फेल्ड बैंक अगर कोई आप बैंक एड कर रहे हो और उसमें डिटेल मिसमैच है और वो फेल हो जाता है, लिंक नहीं हो पाता है, तो आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे जो कि इनके केस में जीरो है। और रिमूव्ड बैंक यानी आपने कोई बैंक लिंक किया था लेकिन अब उसे आप यूज नहीं करते हो, आप चाहते हो भैया वो बैंक आपकी लिस्ट से निकल जाए तो आप रिमूव करोगे, तो यहाँ पे जितने भी रिमूव किए हुए बैंक रहेंगे उनका डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो इनके केस में तीनों ही जीरो है क्योंकि इन्होंने तो लिंक ही नहीं किया था। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड बैंक अकाउंट का, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा आपका पूरा पैन नंबर देखने को मिलेगा, आपका नाम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी स्टार मार्क है वो फिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर, देखिए बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा पैन कार्ड का नंबर फिलेड है तो इसको हम डिलीट करके अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। अब उसके बाद से देखिए आपको अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है सेविंग है, करेंट है, या फिर कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ पे इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम केस में सेविंग अकाउंट ही रहता है लोगों के पास, तो आप सेविंग अकाउंट एंटर कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, देखिए ये जो अकाउंट है ये प्राइमरी है या फिर ज्वाइंट अकाउंट है, देखिए अकाउंट होल्डर टाइप, तो यहाँ पे अगर आपकी प्राइमरी केवल आप ही यूज करते हो, आपके नाम पे ही बैंक है, तो आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना है। अगर ज्वाइंट में खाता आपने खुलवाया है तो आपको ज्वाइंट सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी इनके केस में इनका प्राइमरी है, आपको भी प्राइमरी ही बैंक अकाउंट देना चाहिए, तो प्राइमरी अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके वजह से थोड़ा नीचे की साइड आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना है, और उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिटर्न, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो भी आप बैंक का डिटेल एंटर करेंगे
इस बैंक में ही आप अपना रिफंड मंगवाना चाहते हैं, नॉमिनेट इसको करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक किए हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भैया ये केवल आपको लिंक करना है बैंक, कभी बाद में इन फ्यूचर में काम आएगा, इसमें कोई भी पैसा नहीं मंगाना है, तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करके और वैलिडेट कर देना है। और अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है तो भैया इसको यहाँ पे यस करना है और उसके बाद से लिंक कर देना है, उसके बाद से जो भी आपका रिफंड बनेगा इस वाले बैंक में ही आएगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है और सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ भी एंटर कर लिया है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर दोनों मैच हो जाएगा ना तो इधर मैसेज आ जाएगा, देखिए सक्सेस हो चुका है और यहाँ बताया जा रहा है कि ये दोनों मैच हो चुका है, ये वाला बैंक अकाउंट नंबर और ये दोनों आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही सही एंटर किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड एंटर कर लेना है, जो भी आपका आईएफएससी कोड है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमने आईएफएससी कोड भी एंटर कर लिया है और यहाँ पे आपको कोई एरर मैसेज नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, जैसे आप सही सही एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे आपका बैंक का नेम देखने को मिलेगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इनका, और यहाँ पे ब्रांच, ये ब्रांच जहां भी है इनका ब्रह्मपुर में है, देखिए ब्रह्मपुर लिखा हुआ आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया है कि ये जो बैंक अकाउंट इन्होंने ऐड किया है यानी कि कर रहे हैं, इसी बैंक अकाउंट में इनका पैसा आना चाहिए रिफंड का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यस कर लिया तो बाद में इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा और ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल देखने को मिल रहा है आपके पैन कार्ड में यानी कि आपके प्रोफाइल में जो अपडेट है पैन कार्ड के आईटीआर पोर्टल पे, वो ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर है ना और ईमेल आईडी है आपके बैंक खाते में भी सेम लिंक होगा तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। कुछ लोगों के केस में उनके बैंक अकाउंट में कोई और मोबाइल नंबर रहता है और ईमेल आईडी भी अलग रहता तो भी इस केस में भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जहां तक आप प्रयास करो कि सब जगह आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सेम ही हो। अब यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, देखिए लोडिंग ले रहा है और यहाँ बताया गया है कि आपका ये रजिस्टर मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है इस पे एक ओटीपी गया है। अब यहाँ पे एक फायदे वाली बात आपकी ये है कि दोनों पे सेम ओटीपी गया है, अगर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो आप अपने ईमेल आईडी से ओटीपी देख करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और अगर आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आया है तो आप अपने मोबाइल फोन से ओटीपी देख करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पूरा 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 15 मिनट के बाद ये ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा, बाद में आप रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि भैया अलाउड ओनली वंस, एक बार आपके लिए अलाउ है, एक बार के ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको 24 से 48 घंटे का वेट भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पे 3 अटेम्प्ट भी दिया हुआ है, देखिए 3 अटेम्प्ट आपके पास बचे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने ईमेल आईडी पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन करके लिखा हुआ है और ई फाइलिंग ओटीपी टू एड बैंक अकाउंट करके मैसेज आया है, चूंकि हम बैंक अकाउंट एड कर रहे हैं और इसलिए हमें ओटीपी रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ये वो वाला ओटीपी है बैंक अकाउंट लिंक करने वाला। आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी बताया गया है बड़े बड़े अक्षरों में कि भैया बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए ओटीपी आया है। अब इससे फायदा यह है कि मान लीजिए कि आप खुद से ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई आपके अकाउंट में छेड़छाड़ कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मोटा मोटा इसलिए लिखा हुआ है। आप देखिए थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे ओटीपी देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आपको ऐसा डाउट है कि भैया हमने किसी को अपना पासवर्ड दे रखा है अपने आईटीआर पोर्टल का तो वो लॉगिन करके कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लॉक भी कर सकते हैं, 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, बाद में उनको पासवर्ड पता रहेगा ना तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे। तो ये तो एडवांस लेवल की चीज है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए, अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट आपको कैसे लिंक करना है। तो देखिये इनका जो ओटीपी है वो 37-18-97 है। तो देखिये फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेम ओटीपी एंटर कर लिया है जो हमारे ईमेल आईडी पे मिला है, देखिए आई के आइकन पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम ओटीपी जो हमने देखा था वही एंटर किया है, वो यहाँ से वैलिडेट ओटीपी कर देंगे, देखिए वैलिडेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि सबमिटेड सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। और यहाँ बताया गया है कि भैया आपका जो रिक्वेस्ट है वैलिडेटिंग के लिए बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिट, सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, वैलिडेट आपका जो है वो प्रोसेस में है और जल्द ही आपका अपडेट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना सा आपको बस प्रोसेस करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड टू एंड अपडेट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर अभी अभी अपडेट किया है ना, ये वैलिडेट भी हो चुका है, ईवीसी इनेबल्ड भी हो चुका है, एलिजिबल फॉर रिफंड भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी टाइम नहीं लगा है। काफी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, हैंड टू हैंड आपका सारा काम हो जा रहा है। आप देख सकते हैं
देखिए आपका मोबाइल नंबर राइट क्लिक लग चुका है, ईमेल आईडी राइट क्लिक लग चुका है। अब देखिए काफी लोगों के केस में, जैसे कि हम इस वीडियो में शुरू में ही जाने थे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर अलग है और यहाँ पे ईमेल आईडी अलग है तो ये वैलिडेट नहीं होगा, कुछ एरर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका वैलिडेट एंड ईवीसी इनेबल्ड देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एलिजिबल फॉर रिफंड देखने को मिल रहा है, राइट क्लिक लगा है। तो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका रिफंड इसी वाले बैंक में आ जाने वाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि नॉमिनेट फॉर रिफंड, नॉमिनेट भी है, आपने ओन किया हुआ है। अब एक से ज्यादा बैंक यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सेम प्रोसेस से आपको लिंक कर लेना है। और देखिए अगर आप लिंक करते हैं कोई डिटेल अगर गलत आता है तो भैया, अगर यहाँ नहीं देखने को मिल रहा ना, एडेड बैंक में नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप फेल्ड बैंक में एक बार आप चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपका फेल्ड हो गया है, तो उसका रीजन भी यहाँ देखने को मिल जाएगा कि किस वजह से आपका फेल हुआ है। उसके बाद से आप दोबारा से सेम प्रोसेस करके अपना बैंक अकाउंट नया लिंक कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री या पोस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।